तो आज से 5 या 10 साल पहले आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते थे वो मोस्टली ऑफलाइन होता था और इंटरव्यू के लिए भी आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे 2023 में जितने भी आप जॉब अप्लाई करते होंगे 90% या मोर देन 90% सारे ही जॉब आपको ऑनलाइन अप्लाई करने होते होंगे, उसके बाद इंटरव्यू भी मोस्टली ऑनलाइन होते हैं। तो आपको जब ऑनलाइन अप्लाई करना होता है तो आप ऑनलाइन अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हो, किस पे, naukri.com या LinkedIn या ऐसे बहुत सारे वेब पोर्टल्स पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हो, अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करते हो। तो फिर आपको एज अ फ्रेशर मोस्टली आप अप्लाई कर रहे हो, लेट सपोज़ ये वीडियो स्पेशली फ्रेशर के लिए। तो जब आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपने बहुत सारे कंपनीज़ में अप्लाई किया और आपने प्रोफाइल पूरा क्रिएट कर दिया, तो एज अ फ्रेशर फिर आपको कॉल्स आना शुरू होते हैं। बट आपको पता है कि मोस्टली जो आपको कॉल्स आते हैं इनिशियली वो फेक होते हैं। तो फेक कॉल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको कुछ सिनेरियो बताता हूँ जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ताकि आप इस ट्रैप में ना फंसे हो। तो सबसे पहला सिनेरियो होता है कि आपको कॉल आएगा और आपको बोलेंगे कि आपको यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी 6 मंथ्स की या 1 ईयर की, बट वो पेड इंटर्नशिप होगी। पेड इंटर्नशिप यानी कंपनी आपको पे नहीं करेगी, आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा, ओके। तो वो अमाउंट या तो वन टाइम में या तो पार्टली आपको पे करना पड़ेगा। फिर वो शायद ऐसा बोलेंगे कि इंटर्नशिप के बाद चाहे तो हम किसी और कंपनी में प्लेसमेंट या ये कुछ प्रोवाइड करेंगे, बट इस चीज़ को आपको इग्नोर करना है, इस चीज़ में आपको नहीं फंसना है। नाउ कमिंग टू सेकेंड सिनेरियो में ऐसा होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आते हैं, आपका प्रॉपर इंटरव्यू भी अरेंज किया जाता है, आपसे कॉल पे पूछा जाएगा कि आप कब अवेलेबल हो, आपका इंटरव्यू भी अरेंज होगा कुछ दिन बाद। और जैसे ही आप इंटरव्यू दोगे मोस्टली कुछ दिन बाद विद इन वीक या 2 वीक जब भी रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में आपको मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा मोस्टली, और रिजेक्ट का रीज़न XYZ बताया जाएगा। और उसके बाद रिजेक्ट करने के बाद वो ऑफ़र करेंगे कि आप चाहो तो हमारी कंपनी में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम आपको प्रॉपरली ट्रेन करेंगे क्योंकि हमें ऐसा लगा कि आपका नॉलेज प्रॉपर नहीं है। तो ये ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप या तो आपको सेम कंपनी में प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दी जाएगी या तो दूसरी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए असिस्ट किया जाएगा। एंड अगेन वो जो ट्रेनिंग होगी वो पेड होगी, तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं पहले से ही अच्छे से ट्रेंड हूँ, मुझे नॉलेज है, तो आपको अगेन इसकी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाउ कमिंग टू थर्ड सिनेरियो में क्या होता है कि आपको मतलब कॉल आएगा और ये अपने आपको एज अ कंसल्टेंसी प्रेजेंट करेंगे। फिर आपको बोलेंगे कि हम आपको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल प्रोवाइड करेंगे, इन अ मंथ मिनिमम 20 या 30 कॉल्स प्रोवाइड करेंगे और इन अ डे भी आपको कुछ कॉल्स प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ स्टैटिस्टिक्स बताएंगे आपको। लेकिन क्या होता है कि फिर वो आपको बोलेंगे, आप बोलोगे ठीक है, तो और पेमेंट आप बोलोगे कि मतलब ठीक है मैं कंप्लीट होने के बाद या प्लेसमेंट होने के बाद मैं पेमेंट कर दूंगा, बट यहाँ पे क्लॉ आ जाता है, वो बोलते हैं आपको रजिस्ट्रेशन एज अ 2000 या 5000 से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रिमेनिंग अमाउंट आप बाद में कर सकते हो, या तो आप पहले इतना मिनिमम कर दो मतलब वो जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, ताकि उसके बाद आपको वो कॉल प्रोवाइड करना स्टार्ट कर सके, और फिर बाकी का कुछ अमाउंट आप शायद बाद में भी कर सकते हो। इस केस में भी आपको ट्रैप नहीं होना है क्योंकि इंटरव्यू कॉल्स मोस्टली आपको ना के बराबर आएंगे, ठीक है, नहीं आते। और इंटरव्यू कॉल आते भी हैं तो ऐसा भी हो सकता है उन्होंने खुद के बंदे वहाँ पे रख दिए हैं कॉल करने के लिए, तो उनके खुद के बंदे आपको कॉल करेंगे और मे बी इंटरव्यू लेकर रिजेक्ट भी कर देंगे, तो ये भी एक तरह का स्कैम ही है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिनेरियो है, फोर्थ सिनेरियो, इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही प्रोफेशनली एज एन लाइक आपको naukri.com पे इनकी वैकेंसीज दिख जाएगी या LinkedIn पे आपको वैकेंसीज दिख जाएंगी, तो आप वहाँ पे अप्लाई करोगे। लेट सपोज आप एज एन क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, तो आपको वैकेंसीज LinkedIn या naukri.com पे या पाइथन डेवलपर आप ढूंढ रहे हो तो वैकेंसीज दिख जाएंगी। आपने अप्लाई किया, आपको कुछ दिन में कॉल भी आ जाएगा। आपको कॉल आएगा, फिर आपको बोलेंगे कि आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स या सर्टिफाइड कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, जो सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको इंटरव्यू के कॉल यहाँ पे शॉर्ट आपको इंटरव्यू के कॉल मिलेंगे और आपका प्लेसमेंट हो गई। ऐसा आपको असिस्टेंस या मतलब काइंड ऑफ गारंटी बाई माउथ बोला जाता है बट एक्चुअल में वो नहीं होता। तो क्रैश कोर्स जो होता है ये 3 या 5 दिन का होता है और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी मे बी एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम होता है। मेरा ऐसा मानना है 3 या 5 दिन में कोई भी स्टूडेंट क्या सीखेगा जिसे नॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो अगेन इसको भी आपको इग्नोर करना है बिकॉज ये भी काइंड ऑफ स्कैम है। और ये जितने भी मैं अभी बता रहा हूँ या अभी तक बता चुका हूँ ये रियल एक्सपीरियंसेस है, ये मैं कहीं गूगल करके या ऐसे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स ने भी ये डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं तो उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। नो डाउट मैंने काफ़ी स्टूडेंट को ये चीज़ें पहले भी बताई थी, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं अभी बताता हूँ, बट कभी कभार क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर टाइम पर इंटरव्यू नहीं मिल रहे होते हैं ना, तो आप ट्रैप हो जाते हो, आप सोचते हो 1000 रुपये की बात है या 500 रुपये की बात है या 2000 की बात है,
तो ऐसा करके ही कभी कभार ऐसा हो जाता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सिनेरियो, ये जो सिनेरियो है इसमें बहुत लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हो पाते कि ये क्या है, जेन्युइन है फेक है। इवन आपकी जगह मैं भी हूँ तो मैं भी सोच में पड़ जाऊँ, क्योंकि यहाँ जो होते हैं यहाँ पे जेन्युइन लोग भी कुछ कुछ इन्वॉल्व होते हैं। इसको आप गलत भी बोल सकते हो, ओके, या अपने हिसाब से आपको सही लगता है तो आप सही बोल सकते हो, मोस्टली मैं गलत मानता हूँ। अब ये जो प्रोसेस है इसमें 5 या 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो लेट सपोज़ आपने लिंक्डइन पे किसी को कनेक्ट किया, किसी एक्स वाई जेड पर्सन को कनेक्ट किया और वो एक ऑथेंटिक बिग MNCs में काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बड़े पर्टिकुलर इंसिडेंस मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, मैं वही शेयर कर रहा हूँ। तो वो स्टूडेंट ने कनेक्ट किया वो पर्सन को, वो पर्सन ने बोला कि देखो एज अ फ्रेशर तो आपको नहीं मिलेगा मोस्टली, बट एक वे है, आप वो वे के थ्रू मतलब जॉब ले सकते हो। तो स्टूडेंट ने पूछा कि क्या वे है, क्योंकि वो वर्किंग प्रोफेशनल थे, उनको 7-8 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, तो मतलब और एक MNC में काम कर रहे थे जिस रोल पे ये स्टूडेंट को काम करना था। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको मैं एक भाई का कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, ओके, वो HR हैं या ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला, आप उन्हें कनेक्ट कर लो, आपको एक्चुअली अराउंड 1.5 या 2 लाख या ऐसा कुछ पे करना पड़ेगा, तो आपको वो डायरेक्ट बैकडोर के थ्रू इंटरव्यू दिलवा देंगे, ओके। या तो अगर उससे नहीं हुआ तो आपको थोड़ा ट्रेन करेंगे, ठीक है, और फिर आपको शॉर्ट इंटरव्यू मतलब दिलवा देंगे, इंटरव्यू ही नहीं आपको प्लेसमेंट दिलवा देंगे। तो अब इस केस में क्या होता है, मैं खुद एक बंदे को मैं इंटरनेट पे जानता था, इंटरनेट यानी लिंक्डइन पे जानता था, वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन पर्सन थे और मैं उन्हें जानता भी हूँ, मतलब डायरेक्ट नहीं जानता बट कनेक्शंस के थ्रू जानता हूँ, एक जेन्युइन पर्सन है। बट उन्होंने ही एक कैंडिडेट को ऐसा सजेस्ट किया था 1.5 या 2 लाख पे करने के लिए, तो मैं खुद उस टाइम पे कंफ्यूज हो गया था। बट ओवर यू मेरी मानो तो मैं मानता हूँ ये चीज़ें गलत है, ठीक है, कहीं ना कहीं कभी भी गलती से पकड़े जाओगे, जैसे एसेंचर ने बहुत लोगों को फायर कर दिया तो फायर हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये सारे गलत वे हैं, स्कैम हैं, तो फिर सही तरीका क्या है, हम क्या करें एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं तो। तो गाइज इसके लिए ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस अपने चैनल पे बना रखी है, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स एज एन फ्रेशर। स्टेप बाय स्टेप वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कैसे अप्लाई करना है, क्या पॉसिबल वे है, ओके। अगर उस वीडियो को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करूँ, वैसे तो डिटेल में जानने के लिए आप वो वीडियो जाके देखना, वो एक प्रॉपर रहेगा, क्योंकि अधूरा नॉलेज लोगे, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो पूरा जाके देखो तो ही आपको पूरा नॉलेज होगा। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो बेस्ट वे होता है अप्लाई करने का, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप जो वर्किंग प्रोफेशंस हैं, लेट सपोज आपको एज अ SaaS प्रोग्रामर जॉब ढूंढ रहे हो या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, तो आप सर्च करो जो लोग ऑलरेडी इस रोल पे जॉब कर रहे हों डिफरेंट कंपनीज़ में, उनसे बात करो, उनको बताओ कि मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, मैं जॉब के लिए देख रहा हूँ। इफ़ यू केम अक्रॉस एनी वैकेंसीज प्लीज़ डू लेट मी नो, एक ये तरीका है। दूसरा, आप कंपनी की वेबसाइट्स पे अप्लाई कर सकते हो, ये एक जेन्युइन तरीका है। और तीसरा जो वे है, ये अपने कनेक्शंस के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हो। लेट सपोज आपका कोई फ्रेंड है वो किसी IT कंपनी में काम कर रहा होगा, उसका भी कोई फ्रेंड होगा वो किसी IT कंपनी में काम कर रहा होगा, ऐसे बहुत सारा सर्कल होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि सर मेरे कुछ ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं, बट धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। और लिंक्डइन पे वर्किंग प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करना, और जो वर्किंग प्रोफेशनल को कनेक्ट कर रहे हो मेक श्योर करो वो रिलेवेंट लोग हैं। रिलेवेंट यानी अगर आपने पाइथन सीखा है तो जो पाइथन पे काम कर रहे हैं उन्हीं को कनेक्ट करना है, अगर आपने SaaS सॉफ्टवेयर सीखा है तो जो SaaS पे काम कर रहे हैं उन्हीं को कनेक्ट करना है, ओके। तो उनसे आप डेली कम्युनिकेट करो, ओके, डेली अगर आप उनसे कन्वर्जेशन करते हो तो आपको बहुत कुछ इंटरव्यू के बारे में भी जानने मिलेगा, आपको बहुत कुछ वैकेंसीज़ के बारे में भी जानने मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है आपको काफ़ी रेफरेंस भी मिल जाए और इंटरव्यू भी काफ़ी मिल जाए, ओके। और एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हो। आप जब भी ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आपको आएगी वो है बहुत ज़्यादा आपको या बहुत सारे आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिल सकते हैं। अब क्योंकि आप एक ओपन प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है, आप किसी ऑफलाइन जगह नहीं हो कि आपने कनेक्शंस के थ्रू कहीं गए, तो मोस्टली जो इन्वायरमेंट होगा पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, आप ओपन प्लेटफॉर्म पे जब कनेक्ट करते हो तो शायद ऐसा हो सकता है कहीं आपको रिस्पॉन्स बिल्कुल ही ना आए, ठीक है, या तो दूसरा चीज़ कि आपको रिस्पॉन्स नेगेटिव भी आए, वो बोल सकते हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो, ऐसा भी बोल सकते हैं आपको ये सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा कम है, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा।
तो जितने भी सिनेरियो है ना, इन सारी चीज़ों को पॉजिटिवली लेना, ठीक है? आपको जितना नॉलेज है, मुझे लगता है आपने जितना भी सीखा होगा, अगर 50-60% भी सीखा है ना, तो वो बहुत है किसी भी इंटरव्यू के लिए अपेयर होने के लिए और क्रैक करने के लिए। क्योंकि आप कोई भी इंटरव्यू अगर फ्रेशर दे रहे हो तो कंपनी भी जानती है आपको एज अ फ्रेशर ले रही है, ठीक है? बट अगर आप, मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप क्लिनिकल साइंस के लिए कर रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है आपको बेस साइंस, एडवांस साइंस, क्लिनिकल साइंस एंड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में एस डी एम, आइटम, टेबल लिस्टिंग, ये चीज़ें आपको मस्ट आती हो। बिकॉज आप इतना कर लेते हो तो आप मोस्टली किसी भी इंटरव्यू में स्टैंड भी हो सकते हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस 80%+ होंगे अगर आपको इंटरव्यू मिलता है जैसे ही, ठीक है? तो प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने आपको कोई डिफरेंट सिनेरियो पूछ लिया या कुछ ऐसा पूछ लिया आपको नहीं आया तो आप घबरा गए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एज अ फ्रेशर आपको पता है आप इनकम्प्लीट ही रहने वाले हो, इसलिए तो आप फ्रेशर हो, ठीक है? आपको पूरा नॉलेज नहीं है इसलिए आप फ्रेशर हो, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है? फिर भी जहाँ से भी आप सीख रहे हो, मेक श्योर करो वहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग लो, प्रॉपर गाइडेंस लो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानने और सीखने ज़रूर मिला होगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो शायद मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, ठीक है? और कमेंट्स में जैसे ही पूछोगे मैं ट्राई करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस का वन बाय वन आंसर करूँ। सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।